नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पंछी बिहार के बारे में, वर्ल्ड सेंचुरीज के बारे में, जो कि यूपी में कहाँ कहाँ पे हैं। तो यूपी के जितने भी पंछी बिहार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लगभग यूपी से रिलेटिव जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे यूपी से संबंधित जितने भी हो, UPPCS हो या यूपी पुलिस हो, उन सब में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपी में हो सभी पंछी बिहार कहाँ पे हैं, और उनका नाम क्या है, और किस जनपद में हैं, और उनकी स्थापना कब हुई थी, तो इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि नवाबगंज पंछी बिहार, नवाबगंज पंछी बिहार जो कि यूपी के उन्नाव जिले में है, और ये 1984 में, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984 में। तो सबसे पहला पंछी बिहार यूपी का नवाबगंज पंछी बिहार उन्नाव में 1984 में हुआ था। समसपुर पंछी बिहार रायबरेली में है, समसपुर पंछी बिहार रायबरेली में 1987 में। तो समसपुर पंछी बिहार कहाँ पे है, रायबरेली में, यूपी के रायबरेली जिले में, और ये 1987 में। लाख बहासी पंछी बिहार कन्नौज में है, जो कि सबसे बड़ा है। लाख बहासी पंछी बिहार कन्नौज का सबसे बड़ा है पंछी बिहार है यूपी का, जो कि 1988 में, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। उसके बाद सांडी पंछी बिहार कहाँ पे है, हरदोई में। सांडी पंछी बिहार हरदोई में, यूपी के हरदोई जिले में है, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। बखीरा पंछी बिहार जो कि संत कबीर नगर यूपी में, स्केच संत कबीर नगर जिले में है, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ओखल पंछी बिहार गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर, इसका विस्तार यूपी के गाजियाबाद जिला एवं गौतम बुद्ध नगर में है, और इसकी स्थापना भी 1990 में हुई थी। उसके बाद समान पंछी बिहार मैनपुरी में, यूपी के मैनपुरी जिले में 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद पार्वती अर्घा पंछी बिहार गोंडा में 1990 में हुई थी इसकी स्थापना। पार्वती अर्घा पंछी बिहार गोंडा जिले में 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद विजय सागर पंछी बिहार हमीरपुर में एवं महोबा में, इसका विस्तार हमीरपुर एवं महोबा जिले में है, और ये इसकी स्थापना 1990 में ही हुई थी। तो एक बार फिर जल्दी जल्दी देखिए, नवाबगढ़ पंछी बिहार उन्नाव में, समसपुर पंछी बिहार रायबरेली में, लाख बहासी पंछी बिहार कन्नौज में, जो कि यूपी का सबसे बड़ा पंछी विहार है, सांडी पंछी बिहार हरदोई में, बखीरा पंछी बिहार संत कबीर नगर में, ओखल पंछी बिहार गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर में, समान पंछी बिहार मैनपुरी जिले में, पार्वती अर्घा पंछी बिहार गोंडा में, विजय सागर पंछी बिहार हमीरपुर एवं महोबा में, पटना पंछी बिहार एटा एटा में है, जो कि यूपी का सबसे छोटा पंछी बिहार है, पटना में है, और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। सुरहा ताल पंछी बिहार बलिया में 1991 में, बलिया जो यूपी का एक जिला है, बिहार से सटा हुआ है, वहाँ पे सुरहा ताल पंछी बिहार, जिसे लोकनायक पंछी बिहार भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। सुर सरोवर पंछी बिहार आगरा में 1991 में। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पंछी बिहार प्रतापगढ़ में, जिसे बेती ताल पंछी बिहार भी कहते हैं, प्रतापगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। तो एक बार आइए फिर जल्दी जल्दी देख लेते हैं, नवाबगंज पंछी बिहार उन्नाव, समसपुर पंछी बिहार रायबरेली, लाख बहासी पंछी बिहार कन्नौज, सांडी पंछी बिहार हरदोई, बखीरा पंछी बिहार संत कबीर नगर, ओखल पंछी बिहार गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर, समान पंछी बिहार मैनपुरी,
पार्वती अर्घा पंछी विहार गोंडा, विजय सागर पंछी विहार हमीरपुर एवं महोबा, पटना पंछी विहार एटा जो कि यूपी का सबसे छोटा छोटा पंछी विहार है। उसके बाद सुरहा ताल पंछी विहार बलिया में, सुरहा ताल पंछी विहार जिसे लोकनायक पंछी विहार भी कहते हैं, ये बलिया में है। सुर सरोवर पंछी विहार आगरा में, भीमराव अंबेडकर पंछी विहार प्रतापगढ़ में, और भीमराव अंबेडकर पंछी विहार प्रतापगढ़ में जिसे बेतीताल पंछी विहार भी कहते हैं। तो इस प्रकार इसको आप एक दो बार पढ़ करके ये सारे पंछी विहार याद कर लीजिए। यूपी से रिलेटिव जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में यूपीपीसीएस से लेकर के यूपी पुलिस तक में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें से एक ना एक क्वेश्चन पंछी विहार से संबंधित आते हैं। तो किस जिले में हैं, तो या तो इस तरह आता है कि इनको मेल करने वाला आता है, एक तरफ पंछी विहार का नाम दे देंगे, दूसरी तरफ किस जनपद में है, या तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या ये पूछ लेते हैं कि इस पंछी विहार की स्थापना कब हुई, या यूपी का सबसे बड़ा पंछी विहार, सबसे छोटा पंछी विहार, या सबसे पुराना पंछी विहार कौन सा है। तो इसको आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।